गायक किशोर कुमार जब तक वो मुंबई गए तब तक वो इसी घर में रहते थे, अब शायद गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है और ये वाला वो घर है। पूरा का पूरा स्पॉट जो है आज की तारीख में स्पेशली किशोर दा के ही नाम से अरे भाई कल तो जो थके हारे थे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहा धो के फ्रेश हो गए और आज घूमने वाले हैं खंडवा, जो मैंने आपको कल रात को बताया था किशोर कुमार की जो समाधि है, मतलब किशोर कुमार का जो गांव है वहां पर हम लोग आए हैं आज। मामा ने बहुत सारे ऐसे ऐसी जगह ढूंढ निकाली है MP में जो किसी ने देखी नहीं है, तो बस उन्हीं जगहों को एक्सप्लोर करना है आज। मतलब ये थोड़ी डिफरेंट ट्रिप होने वाली है, इसमें प्लेसेस अनसीन होगी और इसमें ज़्यादा स्पिरिचुअल और क्या बोलते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस पे घूमा जाएगा और सारी जगह एक से एक है। तो वही मैंने मामा को बोला था कि रेडी हो जाओ जाते हैं हम, और इस होटल में हम लोग रुके हैं, होटल रंजीत खंडवा में, बहुत मस्त होटल है यार, सारी सर्विस से लेके सब कुछ बढ़िया। अगर इस तरफ आते हो तो यहाँ पे आप रूम ले सकते हो, हमें तो पहचान में थोड़ा डिस्काउंट में रूम मिल गया, पर आप लोग यहाँ पे आओगे तो मिल जाएगा, उतना महंगा नहीं। मेरा इंडिया आने का एक और जो बड़ा रीज़न है वो है मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि लोग क्या करते हैं 50-60 की उम्र में सब कुछ ये सारी चीज़ें शुरू करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, पर नहीं, अगर हम इस उम्र से करते हैं 25, 24, 25, 26, हम पहले तो बचपन से होता था, तो अगर उसमें करते हो तो वो आपकी पूरी थ्रू आउट द लाइफ आपको हेल्प करता है ज़िंदगी जीने में। तो ये सारी जगह बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगी, क्या बोलते हैं शस्त्र और शास्त्र, मैंने पहले एक वीडियो में बोला था कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान इस जगह पर मिलेगा। और मेरी कोई भी मैं रोड ट्रिप शुरू ना करूँ और मेरा पोपट ना हो ऐसा होता नहीं है। मैं गोवा वाली ट्रिप में भी हुआ था, दूध सागर पूरा गए 80-90 किलोमीटर जाके आए वापस आए नहीं जा पाए, फिर कल असीरगढ़ गए थे वहाँ पर भी सेम सीन हुआ कि जाना था असीरगढ़ पूरा गए 90 किलोमीटर वापस आए वहाँ पे किला बंद था। तो अभी कोई ना, एक दिन ऐसा जाता है, हर दिन आप एंजॉय नहीं कर सकते, थोड़ा अप एंड डाउन रहता है, पर आज बस बारिश साथ दे दे, बारिश ना गिरे ज़्यादा तो मज़ा आएगा घूमने। पर इस ट्रिप पे मैंने जब से आपको पहले बताया था कि जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो जगहों के साथ साथ लोग भी हैं। डॉगी ने खेल खेल के पूरी टी शर्ट गंदी कर दी मेरी, टी शर्ट चेंज करनी पड़ेगी, नई टी शर्ट जो पहनी भी नहीं थी पहली बार मैंने निकाली थी, वो साला पूरा गंदी कर दी डॉगी ने खेलते खेलते। कोई ना, खेल ही रहा था, फिर से ये नई चेंज करनी पड़ी। कपड़े वैसे कम लाता हूँ मैं और ये फिर ऐसे गंदे हो जाएं तो मज़ा नहीं आता। भाई जो दो दोस्तों की मैं बात कर रहा था वो दो दोस्त आ गए, कुंदन भाई और अशोक भाई, तो बस उन लोग के आने की वेट कर रहे थे हम, क्योंकि वो घुमाने वाले हैं हमें सारी जगह आज MP में। तो सब रेडी हो गए, अब अपना सामान सिर्फ रख देते हैं हम लोग गाड़ी में और फिर निकलते हैं खंडवा एक्सप्लोर करने के लिए। आज तो कल तो पूरा पार्किंग फुल था, आज तो बिल्कुल कोई है ही नहीं, लगता है बस हम ही बचे हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरा ऑफ सीजन है ना। पर एक चीज़ अच्छी है, बादल तो है पर बारिश नहीं है। अब मुझे खोलना पड़ेगा ये, हो गया सेट। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, हमने बोला यहाँ पर कि भाई पैसे देके अगर गाड़ी कोई साफ कर सकता है तो कर दो प्लीज़, क्योंकि फिर पापा जब वीडियो में गाड़ी देखते हैं ना तो बोलते हैं मरो दीक रो ऐसा करते हैं तो फिर उससे अच्छा है कि अगर साफ़ हो जाए तो उन्हें टेंशन ना हो हमें टेंशन ना हो और कुछ नहीं, क्योंकि गाड़ी साफ़ अच्छी लगती है, मुझे तो ऐसी भी अच्छी लगती है क्योंकि दाग अच्छे हैं। मामा बराबर नींद आई आपको? कंप्लीट नींद आई, कंप्लीट एक नंबर की, पूरा नींद में सो गया, थका हुआ इतना था, परेशान था। परेशान थे करे, पूरा दिन मेरा लोटपोट हो गया। मजा आया ना, घुमा घुमा, अब खा पी के सो के मजा है, सो जाएंगे आराम करेंगे बस, और शाम को घूमने के लिए थी बस, अभी से घूमना है, शाम को नहीं, शाम को। और यहाँ से हम किशोर कुमार के गाने सुनते सुनते हुए पहुंचे खुद किशोर कुमार के घर। ये उनका पुराना घर है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था और जहाँ पर इन्होंने मुंबई जाने से पहले तक का अपना जीवन यही इसी घर में बिताया था। काफ़ी पुराना घर है पर अब सुनने में आया है कि इस घर को टेक ओवर कर लिया है
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ताकि वो अच्छे से टेक केयर कर सके। और ये सीताराम जी है जो इनका इस घर का ध्यान रखते हैं। तो ये दादाजी है जो संभालते हैं ये सारा यहाँ का बरसों से। वीडियो मत बनाना, अंदर ज़्यादा वीडियो अलाउ नहीं किया था तो बाहर से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अंदर से जितना मैं वीडियो ले पाया उतना दिखा रहा हूँ। और थैंक यू भाई कुंदन भैया जगह दिखाने के लिए, थैंक यू भाई। शायद किशोर कुमार जब तक वो मुंबई गए तब तक वो इसी घर में रहते थे, अब शायद गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है और ये वाला वो घर है। सुकून मिल गया, बहुत सुकून मिल गया। अरे यार आके वर्ल्ड फेमस व्यक्ति के घर आए हैं आज, ऐसा समझ लो। वर्ल्ड फेमस व्यक्ति किशोर कुमार, बिल्कुल सुकून हो गया। मेरा प्रिय कलाकार है किशोर कुमार, मुझे बहुत उसी के गाने सुनता हूँ। जब गाड़ी में कैब बजाना है पहला किशोर कुमार के ही गाने बजते हैं। नाश्ता चाहिए? दादाजी का नाम धुनी वाले बाबा है, एक नई जगह एक्सप्लोर करने धुनी वाले बाबा। देखते मुझे पता है तब तक फोटोज वीडियोज अलाउ नहीं है अंदर, तो बाहर से ही जो होगा वो दिखाया जाएगा आपको। ये रहा ट्रैवलर्स शुड ट्रैवल ऑल द प्लेसेस नॉट ओनली द ट्रेंडिंग प्लेसेस, हर जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। पहले हम लोग गए किशोर कुमार के घर, फिर हम गए धुनी वाले बाबा, अब आए हम किशोर कुमार की समाधि में। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया। क्या है नाम है आपका? वैसे मेरा नाम तो सर राकेश कनार है। राकेश कनार, हाँ। केयर टेकर किशोर का, यहाँ पे केयर टेकर है आप? केयर टेकर। पहली बार आए हैं इस स्पॉट पर। चलिए आप दिखाइए हमें, हमको दिखाइए आप। ये मान के चलो किशोर दा के मतलब हम बड़े फैन हैं उनके, दरबार में जैसे आए हो दरबार में, तो उनके दरबार में मान के चलो कि फर्स्ट एंट्री आप लोगों को हमें दे। आज 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 फर्स्ट संडे संडे फर्स्ट एंट्री एंट्री है मेरी हमारी। हाँ चलो मामा, फर्स्ट एंट्री केयर टेकर का मतलब आप समझ गए। हाँ चलो खाना क्या, हम तो तुमको ये मान के चलो कि खुश करके भेजे। सही बात है, चलो खुश कर दो आज हमें। शूज निकाल लेना दादा, मामा चप्पल निकालना है। आज की तारीख में भाई साहब ये पूरा का पूरा स्पॉट जो है सामने रोड से लेकर पीछे तक, इसको अपने हिंदू धर्म रीति रिवाज के हिसाब से शमशान बोलो या मुक्ति धाम, पूरा का पूरा स्पॉट जो है आज की तारीख में स्पेशली किशोर दा के ही नाम से मुक्ति धाम भी है। और आज वर्तमान में अपन लोग जो खड़े हैं और जो जी रहे हैं भाई साहब, ये तो सरासर कलयुग है। वो सतयुग गया तो उसी सतयुग में कई गलती से किशोर दा का विद फैमिली ट्रम्प्स परिवार जो था पश्चिम बंगाल छोड़ खंडवा में आकर बस गया। अब खंडवा में आने के बाद में उसी सतयुग में इनके जो फादर कुंजी लाल गांगोली, तो कुंजी लाल गांगोली जी उस सतयुग में खंडवा कोर्ट में एडवोकेट थे, वकील थे, वकालत किया करते थे। अब वकालत करते करते कुछ दिनों के बाद में कई किशोर दा ने उनके विद फैमिली परिवार में कई खंडवा में जन्म लिया। अब जन्म लेने के बाद में किशोर दा की दिन पे दिन जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाए, जैसे जैसे उनमें दिमाग आता जाए, तो किशोर दा उस सतयुग में डेली अपनी साइकिल के द्वारा सुबह शाम यह स्पॉट पर भ्रमण के लिए आया करते थे। तो यह स्पॉट को किशोर दा ने
और दिल में बैठाने के साथ साथ एक दिन विद फैमिली के बीच में बैठकर कंफर्म सचेत भी कर दिया कि मैं जिंदगी में कहीं भी रहूं, मेरे साथ में कोई अजीबोगरीब प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो मेरी डेड बॉडी को इधर उधर न ले जाते हुए मेरे वतन पे ले जाके मेरा अंतिम दाह संस्कार करवाना। अब वतन बोले, जन्मभूमि बोले, तो आज की तारीख में ये पूरा का पूरा खंडवा डिस्ट्रिक्ट किशोरदा के ही नाम से चलता है। तो बकायदा उन्हीं के कहे अनुसार 4 अगस्त 1929 का तो उनका जन्म और 13 अक्टूबर 1987 उनकी अंतिम विदाई। सन 87 में बकायदा उन्हीं के कहे अनुसार उनकी डेड बॉडी बॉम्बे से अपने खंडवा लाई गई। नहीं पर बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। भाई मैंने तो तुमको एंट्री करी थी, जब ही मैंने तो तुमको क्लोजअप कर दिया था कि सर तुमको भी मैं वो चीज खुश कर दूंगा था कि जो कभी जिंदगी में मिली नहीं हो। सही बात है, फिल्मी तरीका है, एकदम फिल्मी तरीका है। मैंने थोड़ा पूरा शारीरिक प्रदर्शन करते हुए तो पेश किया हूँ तुमको। मैं शाम को बिल्कुल बोलूंगा। ये तो यादें है बस, पैसे ही नहीं है जो मोहब्बत प्यार जो है। आज तुम कहाँ से? अभी वक्त था तुम में मिले, नहीं वक्त रहता तुम मिल रहे क्या मेरे को? नहीं। और जो चीजें तुम बटोर के ले जा रहे हो इतना बड़ा, नहीं सही बात, वो कहीं मिलती क्या? नहीं कोई ना, तुम्हें ऑल ओवर मिल गई। चलो थैंक यू।